बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, आप सही जानते हैं, आप गलत जानते हैं, क्या करना है आपको पता है, क्या नहीं करना है आपको पता है। मेन में इस चीज से सबसे पहले शुरुआत करूंगा कि हमारी बहुत सारी समस्याओं का कारण, देखो किसी भी चीज का कारण, किसी भी चीज का परिणाम हमेशा हम खुद ही होते हैं। हमारे जीवन में अच्छा चल रहा है, हमारे जीवन में बुरा चल रहा है, हमारे जीवन में अच्छा होगा, हमारे जीवन में बुरा होगा, इसके लिए आप स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और भविष्य हमेशा वर्तमान पर डिपेंड करता है। आज जो हम कार्य कर रहे हैं इससे हमारा भविष्य 100% कनेक्टेड है। तो सबसे पहले एक बात समझिए कि आपको पता तो है कि क्या सही है क्या गलत है, बस हम कर नहीं पाते, या पता होते हुए भी हम उसको इग्नोर करते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, अगर आपके अंदर धैर्य नहीं है, अगर आपके अंदर सहनशीलता नहीं है, अगर आप संघर्ष करने को एक जीवन का हिस्सा नहीं मानते हैं, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन मैं आपको बहुत स्पष्ट कह रहा हूं, आप जीवन में कोई भी काम कर लीजिए, आप सफल नहीं हो पाएंगे। बेवजह की इतनी चीजों में परेशान है कि अगर कुछ पॉइंट्स पर काम कर लें, चंद चीजों का ध्यान दे दें, तो हमारा जीवन बहुत आसान हो सकता है। और मैं मानता हूं कि हर व्यक्ति सफल हो सकता है। एक आम आदमी सब छोटी छोटी चीजों को लेकर परेशान रहता है, और जो सफल लोग होते हैं या जो एक माइंडसेट होता है, आप आज तो सफल नहीं हो, लेकिन आपका माइंडसेट जो है, आपका जो दिमाग है, वो इतना मजबूत है कि मुझे किसी से फर्क नहीं पड़ता। मैं जब ये सुनता हूं ना कि सर आज मुझे मेरे दोस्त ने ऐसा कह दिया, आज किसी रिश्तेदार ने मुझे ऐसा कह दिया, आज पड़ोस के अंकल ने मुझे ऐसा कह दिया, ये सब क्या कहते हैं? जो मैंने एक लाइन अभी लिखी थी, तुमसे ना हो पाएगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता है, जो एक स्टूडेंट ने लिखा भी था। मुझे इस बात पे हंसी भी आती है और मुझे इस बात पे खुद पे आश्चर्य होता है, क्योंकि मैं अपनी स्थिति बताता हूं आपको, मुझे आज तक कभी इस बात से फर्क ही नहीं पड़ा कि कोई मेरे बारे में क्या बोलता है, क्या सोचता है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं क्या हूं। और मैं आज थोड़ा ठीक ठाक कर पा रहा हूं, इसलिए बात नहीं कर रहा हूं। अगर मैं पिछले 15 साल की भी बात करूं, तब भी मैं ऐसा ही था। आज भी मुझे फर्क नहीं पड़ता है। आपको क्या लगता है कि आज भी लोग मुझे छोड़ देते होंगे क्या? आज भी लोग मुझे बस अच्छा अच्छा ही सुनाते होंगे क्या? आज भी झेलना पड़ता है। आप जब जिस लेवल पे होते हो ना, उस लेवल की समस्याएं हमेशा आपके साथ चलेंगी, ठीक है? मैंने एक चीज बहुत अच्छी पढ़ी है कि हर सुख अपने आप का दुख लेकर आता है। जिस प्रकार का सुख आपके पास आएगा, उस प्रकार की तकलीफ, उस प्रकार का दुख भी आपके पास आएगा, और वो उसके साथ चलता है। आज आपके पास बेरोजगारी है, आज कोई जॉब नहीं है, आज आप कमा नहीं रहे हैं, तो आपको इस प्रकार की समस्याएं हैं। अगर आपको ये लगता है कि जॉब लग जाएगी, पैसा आने लगेगा, तो उसके बाद जीवन बहुत बढ़िया हो जाएगा, ये आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है। और ये इस बात को दर्शाता है कि आप अभी लाइफ को समझ ही नहीं पाए, और आप शारीरिक रूप से बड़े हो गए हैं, लेकिन आप अभी मानसिक रूप से बड़े नहीं हो पाए हैं, ये इस बात को दर्शाता है। क्योंकि समझदार व्यक्ति क्या बोलता है कि भाई अभी जिस स्थिति में हूँ उस प्रकार की समस्याएं हैं, कल को मैं जिस स्थिति में चले जाऊंगा उस प्रकार की समस्याएं आ जाएंगी। समस्याएं कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेंगी, ये बात बिल्कुल तय समझो। आज क्या करना चाहते हो और आज क्या कर रहे हो, इस पे आपका फ्यूचर डिपेंड करेगा। अगर ये गुण आपके अंदर होंगे, मैंने इन्हीं रास्तों पे चल के जो भी थोड़ी बहुत सफलता हासिल करी है वो इन्हीं रास्तों पे चल के की है, और मैं आज भी इन्हीं रास्ते पे चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे और सक्सेसफुल होना है, मुझे और लाइफ में कुछ अच्छी चीजें करनी है, मुझे सोसाइटी के लिए, लोगों के लिए बहुत कुछ करना है, तो मैं जिन रास्तों पे चला हूँ वही रास्ता आपको हमेशा बता रहा हूँ। और ये चीज आप जितनी जल्दी समझ जाएंगे, उतनी जल्दी जो है आप सही रास्ते पर आ जाएंगे और कहीं ना कहीं पहुंच जाएंगे। कोई क्या कहता है इससे आपको कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका रिमोट कंट्रोल हमेशा आपके हाथ में होना चाहिए। जब आप बार बार सुनते रहोगे कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, तुम्हारी नौकरी नहीं लग सकती, तो आपके दिमाग में जब ये चीजें घूमती रहेगी ना, एक समय के बाद आपको भी खुद से क्या लगेगा कि लोग सही बोल रहे हैं, मुझे लगता है मेरा कुछ नहीं हो सकता। तो इसीलिए सबसे बढ़िया चीज मैं आपको बता रहा हूँ, इग्नोर करना सीखिए। मैं हमेशा कहता हूँ पत्थर बन जाओ भाई। पत्थर कितना बढ़िया है, आप उसको कितना ही कुछ कहो, उससे हर चीज टकरा के वापस ही आनी है। तो आपको अगर सक्सेसफुल होना है, और ये नियम केवल आपके लिए, मेरे लिए नहीं, ये दुनिया के हर व्यक्ति के लिए लगता है, और जो लोग आज टॉप पर हैं, जो लोग आज बहुत सफल हैं, उन्होंने यही नियम अपनाए हैं। आप किसी भी सफल व्यक्ति से मिलिएगा, उसके अंदर बहुत पेशेंस है, उसके अंदर सहनशीलता गजब की है, उसके अंदर संघर्ष करने की बहुत खतरनाक काबिलियत है, उसके अंदर इग्नोर करने की आदत है। ये कॉमन चीजें हैं जो आपके अंदर हमेशा होनी चाहिए।